देखा अरे आओ इधर क्या कर रहे हो भी निकल गया क्या मैं क्यों जाऊं सीधे एक्शन मैंने तो अपना हिस्सा नहीं बेचा जाओ उनके पास कितनी कीमत है आपके हिस्से की जाके लेफ्ट में हो जाना वो जो भी हो एक साथ रहो एक साथ वाले ओ मुटकी चाची शेषनाग के साथ आप लोगों का काम भी खत्म हो गया सर इसलिए इस तरफ नहीं उस तरफ बाहर के लिए सर ताजी पैरों अरे बाबू हम तो बस आपके चरणों अरे भैरव बाबू हम तो आपके चरणों में पड़े रहेंगे हैं आप अब जो काम देंगे आप हम आपके काम करते रहेंगे हैं क्रिकेट से रंग बदलने वाले लोग नहीं चाहिए रक्षा माद्री रतन के पास दौड़ो अब देखिए हम आपने जो गलती हो गई हमको माफ कर दीजिए हमको पारे को मार दीजिए क्यों मार गए रतन प्रभा नहीं नहीं दक्षा सही है दक्षा सही है हाँ संतोषी रतन भाई जी चाची ये सब कोई भी नहीं सुबह इस सबको निकल जाना पड़ेगा निकल जाओ रतन देखो उसको जाते हुए उधर से आपका व्यू चल रहा है तो ऐसा क्या हुआ कि धैर्य को इतना बड़ा स्टेप लेना पड़ा सबको मतलब भाभी को घर से निकालना पड़ा धैर्य सबको घर से बाहर निकाल रहा है बिकॉज आज से कुछ महीने पहले धैर्य को धक्के मार के घर से निकाला गया था बिल्कुल इसी तरीके से तो आज उसके अंदर पे वो रिवेंज की भावना जो है ये वर्ड थोड़ा अजीब लग रहा सुनने में रिवेंज की भावना बट एनीवेज हाँ तो रिवेंज उसके अंदर है वो रिवेंज ले रहा है इन लोगों से और किसी भी तरह वो चाहता है कि इन सबको बेइज्जत करके इस घर से बाहर निकाल दे आगे धैर्य का क्या स्टेप होने वाला है आगे धैर्य का क्या स्टेप होने वाला है उसके बाद की स्क्रिप्ट अभी आई नहीं है तो मुझे पता नहीं है और ये जो धैर्य कैरेक्टर है वो मेरे दिमाग से तो चलता नहीं है जो राइटर लिखते हैं वो चलता है तो आई डोंट नो अभी क्या लिख रहे हैं ये लोग क्या स्टोरी में आने वाली है लेट्स होप आपको आपका कैरेक्टर कैसा लग रहा है मुझे मेरा कैरेक्टर बहुत अतरंगी लग रहा है बहुत सारे शेड्स इसमें एक फिल्म आई थी 50 शेड्स ऑफ ग्रे आई थिंक अगर धैर्य के बारे में बोले जाए तो 500 शेड्स ऑफ ग्रे होंगे काफ़ी अतरंगी कैरेक्टर है कभी अच्छा कभी बुरा कभी शरीफ कभी बदमाश अभी बड़ी मेहनत के साथ उसने अपने आप को ये खड़ा किया अपने पैरों पे इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर उसके बाद अचानक से अंदर बहुत ग्रीड और बहुत लोभ आ गया है तो आई थिंक काफ़ी वेरिएशन है करने को इस कैरेक्टर में और राइटर जो जो लिखते जाते हैं मैं वैसे वैसे करते जाता हूँ तो मैं एक्चुअली इतना कैरेक्टराइजेशन पे ध्यान नहीं देता आई थिंक दे आर एमिनेंट राइटर्स जो कि इसके पीछे मेहनत कर रहे हैं और जैसा मुझे बताया जाता है मैं कर लेता हूँ ऐसा क्या किया धैर्य ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम ऐसे कर ली बहुत सिंपल तरीका था क्योंकि प्रॉपर्टी हमेशा से उसकी ही थी और बहुत ही छल और कपट के साथ भाभी ने ये प्रॉपर्टीज धैर्य से अपने नाम करवाई थी एंड देन फाइनली उसको लीगली एक उसका तोड़ मिल गया कि कैसे वो अपने प्रॉपर्टीज को क्लेम कर सकता है वापस एंड आई थिंक धैर्य ने भी थोड़ी छल कपट की और अपने प्रॉपर्टी को अपने नाम वापस करवा लिया आ गई देखिए जो नेगेटिव कैरेक्टर्स होते हैं जब तक सीरियल ऑन एयर रहता है तब तक उसे पॉजिटिव तो दिखा नहीं सकते हैं तो अभी हमें टॉर्चर होगा लोग बड़ा खुश होंगे जब हमें अलग अलग जगह पे धक्के मिलेंगे हमें देखो मेरी सारी ज्वेलरी भी छीन ली धैर्य ने मैं तो भर भर के पहना करती थी तो लोग इंजॉय करते हैं जब नेगेटिव कैरेक्टर्स को टॉर्चर किया जाता है सो और बहुत टाइम से उस इनको मैसेजेस आ रहे थे बहुत टाइम से ट्विटर पे और इधर उधर सब फेसबुक कि इन लोगों को टॉर्चर होना चाहिए इन लोगों को हमारा मन चाहता है कि अंकुर और मधु को भी पिटाई की जाए मुझे किसी ने सुनाया सॉरी
तो ये हमारी वैसे जीत है किसी भी कैरेक्टर की, कि जैसे अगर हम हंसाना चाहते हैं तो लोग हमारे साथ हंसें, तो और अगर हम रुलाना चाहते हैं तो लोग रोएं, और जब हम नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करें तो लोग हमें गालियां निकालें. तो आजकल हम गालियां मतलब लोग काफ़ी निकाल रहे हैं मधु को. सो अच्छा है इसमें. अभी हमें टॉर्चर दिखाएंगे कि हम अलग अलग जगह जाएंगे, जैसे हम हमारी एक क्रांति माँ थी तो अब क्रांति माँ के वहाँ जाएंगे. तो जब तक पैसा था तब तक क्रांति माँ हमें बहुत अच्छा करती थी, हम पैसे वैसे भी देते थे उनको. तो अभी उनको पता चलता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हमें क्रांति माँ भी नहीं रखती हैं. और फिर उसके बाद मुझे भी अभी क्योंकि साथ के साथ ही स्टोरी आती है तो पता नहीं, लेकिन हाँ डेफिनेटली हमें टॉर्चर किया जाएगा, और जो मुझे लगता है कि ऑडियंस ज़रूर पसंद करेगी. पेन तो हमें तो गुस्सा आ रहा है, वो तो अच्छे कैरेक्टर्स थे ना, तो वो बेचारे आराम से निकल गए दुखी होके, और लोगों ने बोला हाय बेचारों को निकाल दिया. हम जाएंगे लोग बड़े खुश होंगे, और हमें गुस्सा आएगा, हम बोलेंगे कि इनकी ऐसी की तैसी करेंगे, बाद में आएंगे फिर इनको बताते हैं. सो फील वील तो होगा ही डेफिनेटली, क्योंकि मधु ने हमेशा एक बहुत ही लैविश जिंदगी जी है, और हमेशा बहुत डोमिनेटिंग लेडी रही है, सर्वेंट्स रहे हैं, पैसा रहा है, अब कुछ भी नहीं. तो उसके लिए तो एक गरीब आदमी के साथ ऐसा हो जाए तो उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक इतना रिच इंसान के साथ ऐसा हो जाए तो बहुत फर्क पड़ता है. तो डेफिनेटली मधु को बहुत फील होगा और उसे तकलीफ भी बहुत होगी आगे आने वाले एपिसोड्स में. तो मधु अपनी ये सब प्रॉब्लम्स कैसे टैकल करेंगे? मधु को तो अभी भगवान ही टैकल करेंगे, संतोषी माँ हमारी टैकल करेगी. तो अच्छा है, मधु को ऐसी सजा मिलनी भी चाहिए जिसने इतना खतरनाक, इतना संतोषी को तंग किया, धैर्य को तंग किया, अपने फादर इन लॉ को, मदर इन लॉ को तंग किया. तो उसके साथ ऐसा होना चाहिए था. लेकिन हाँ, ये कैरेक्टर कभी भी जब तक मेरे मुझे लगता है सीरियल रहेगा या कुछ, तब तक या इस कैरेक्टर की जब तक इस कैरेक्टर को दिखाएंगे उसे नेगेटिव ही दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर पॉजिटिव हो जाते हैं नेगेटिव कैरेक्टर्स तो उतना मज़ा नहीं आता. और फिर जो पॉजिटिव कैरेक्टर्स जैसे हीरो हीरोइन होते हैं उनका फिर उतना मतलब लोगों को उतना प्यार नहीं आता. अब मैं उन्हें इतना तंग करती हूँ, इतना टॉर्चर करती हूँ कि लोग बोलते हैं हाय बेचारे इनके साथ ऐसा नहीं होता, तो वो उनका प्यार बढ़ता है ऑडियंस का पॉजिटिव कैरेक्टर्स के लिए. अगर नेगेटिव भी अच्छे ही हो जाए तो फिर तो कोई फिर वो प्यार भी कम हो जाएगा. इसलिए हमारा बुरे रहना ही अच्छा है. क्या आपको लगता है कि एक नेगेटिव कैरेक्टर के वजह से ही सीरियल की टीआरपी बढ़ती है? टीआरपी तो सब कैरेक्टर्स की वजह से बढ़ती है, ऐसी बात नहीं है. लेकिन हाँ, नेगेटिव कैरेक्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एक सीरियल के लिए, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैरेक्टर होगा उतनी ही लाइकिंग, जैसे मैंने पहले कहा, पॉजिटिव कैरेक्टर्स के लिए आएगी. सो मुझे कोई बोले एकदम सीधे सीधे डायलॉग्स कर दो, बेचारे बन जाओ और कुछ करने को ना हो, मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसे रोल्स में इंटरेस्ट आएगा. मुझे हमेशा लगता है कि जब भी मैं कोई काम करूँ, अगर मैं कॉमेडी भी करूँ तो कुछ ऐसा करूँ जो लोग कहें अरे वाह ये तो हमने देखा नहीं. तो मैं नेगेटिव करूँ तो भी मेरा इतना क्रूअल होना चाहिए कि लोगों को लगना चाहिए कि उपासना ने अच्छा एक्ट किया. सो और भगवान की इतनी दया है कि मैंने हर तरह के रोल्स में अवार्ड्स लिए हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो नेगेटिव हो. मैंने नेगेटिव में भी काफ़ी अवार्ड्स लिए हैं, तो मुझे लोग हर रोल में पसंद करते हैं. इसलिए मैं दर्शकों की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपकी वजह से मुझे हर तरह के रोल करने का मौका मिलता है. तो मधु से नफरत करते रहिए. मैं असल में थिएटर से बिलोंग करती हूँ, मैंने एमए की है, एमए इन ड्रामेटिक आर्ट्स चंडीगढ़ से. तो मैं हमेशा ही डिफरेंट तरह के रोल्स करने में इंटरेस्टेड थी. मतलब वो तो अलग बात है कि जब मैं बॉम्बे आई मुझे हीरोइन के रोल मिल गए, तो अगर मुझे कोई डिफरेंट रोल मिलता तो वो भी मैं कर लेती, बहन का होता या कोई नेगेटिव होता. लेकिन मुझे आते ही हीरोइन के रोल मिले, फिर मैंने कुछ टाइम हीरोइन के रोल किए, मैं 18 ईयर्स की थी, तो मुझे लगा
कि ये तो सिर्फ एक आई लव यू गाना गा लिया, डांस कर लिया, कुछ और करना चाहिए. तो मैंने डाकू के रोल किए, फिर मैंने कॉमेडी स्टार्ट कर दी, फिर मैंने नेगेटिव, मतलब मैं हर तरह के. और मैंने बहुत अर्ली स्टेज में, जबकि मेरे को ज़रूरत नहीं थी कि मैं हीरोइन के रोल छोड़ती, जैसे मेरी पहली फिल्म जो थी वो लोफर थी, तो जिसमें मैंने डिफरेंट रोल किया था हीरोइन के अलावा. तो जूही चावला जी थी, शक्ति कपूर जी के साथ मैं थी, अनिल कपूर थे जूही जी के साथ. तो उसमें मैं बहुत छोटी थी, लेकिन मेरे को लगा कि नहीं, हमें मुझे अलग कुछ करना है. तो मैंने वो कॉमेडी मैंने की, उसके बाद जुदाई, और फिर सरफरोश. बाद मैंने बड़े अलग अलग तरह के रोल्स किए, माय फ्रेंड गणेश शाह एक बहुत ही इमोशनल टाइप का, और कॉमेडी, और बहुत सारे उसमें कैरेक्टर्स. सो वही मैं कहना चाहती हूँ कि लोगों को बांध दिया जाता है एक ही कैरेक्टर में. जब एक एक्टर कोई नेगेटिव रोल करता है तो उसे नेगेटिव ही मिलते हैं, पॉजिटिव करता है तो पॉजिटिव ही मिलते हैं. और मैं एक ऐसी एक्ट्रेस हूँ जिसने हर तरह के रोल्स किए हैं, तो मैं अपने हर रोल को इंजॉय करती हूँ, और मैं उसे जस्टिफाई करने की कोशिश भी करती हूँ.